धनुष की मोस्ट अवेटेड मूवी रयान रिलीज हो चुकी है और आज हम करेंगे इस मूवी का एनालिसिस। इस मूवी में संदीप किशन, जय सूर्या और कालिदास जयराम आपको लीड रोल में नजर आएंगे और इसके साथ ही आपको धनुष भी लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को पहले 13 जून 2024 को रिलीज होना था, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में थोड़ी सी देरी हो गई और अब ये मूवी जो है 26 जुलाई 2024 को रिलीज हो चुकी है। खास बात ये है कि ये मूवी धनुष के बर्थडे वीक में रिलीज हुई है। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहते हैं। धनुष ने अपनी 50वीं फिल्म रयान की कहानी अपनी 25वीं फिल्म रघुवरन बीटेक के साथ ही लिखी थी और 14 साल पहले लिखी गई इस कहानी को धनुष पर्दे पर बखूबी लेकर आए हैं। फिल्म की कहानी एक साधारण युवक रयान के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए एक अभियान पर निकलता है जो उसे अपराध की दुनिया में ले जाता है जहां वे उनके हथियारों की तलाश करता है। रयान दो छोटे भाइयों और एक छोटी बहन के साथ रहता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उनका परिवार अलग हो जाता है। रयान फिल्म का फर्स्ट हाफ बदले के सीन के साथ काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। वही जब आप मूवी का सेकेंड हाफ यानी कि इंटरवल के बाद आप मूवी को देखेंगे तो आपको मूवी थोड़ी सी स्लो नजर आएगी, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है वहां पे किस तरीके से एक हीरो खलनायकों को मारता है ये आपको बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखकर। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें कि धनुष ने इस मूवी में एक चीज बहुत अच्छे से डाली है कि कहाँ पर इमोशंस दिखाना है, कहाँ पर एक्शन सीन्स दिखाना है। यानी कि जो पहला हाफ है वहां पर भरपूर एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे और जैसे ही आप इंटरवल के बाद पहुंचते हैं तो भरपूर आपको इमोशंस और कुछ फ्लैशबैक के भी सीन्स आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहना यह है कि कहां पर कौन सा सीन डालना है धनुष को ये बखूबी आता है और बहुत ही अच्छे से इस फिल्म में उन्होंने सारी चीजों को इन्हांस किया है। रयान फिल्म की ताकत है धनुष और इस फिल्म के विलेन एस जे सूर्या की परफॉर्मेंस। दोनों ने दर्शकों को आखिरी तक बांधने में कामयाबी हासिल की है। फिल्म कैप्टन मिलर में छोटी सी भूमिका निभाने वाले संदीप किशन ने फिल्म रयान में धनुष के छोटे भाई की भूमिका भी निभाई। संदीप किशन को अच्छा रोल मिला। हीरो की बहन तुषारा, संदीप की प्रेमिका अपर्णा बाल मुरली ने भी अच्छा अभिनय किया है। वरलक्ष्मी, कालिदास जयराम, प्रकाश राज, सेल्वा राघवन ने अन्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही बहुत ज्यादा चर्चा बटोर ली है। इस फिल्म का प्रमोशनल क्लिप बहुत ज्यादा कामयाब रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने में। इतना ही नहीं, ये फिल्म कोलावरी डी हिटमेकर की मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म है और इसलिए लोगों को इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो एक्शन और इमोशन से भरी धनुष की फिल्म रयान थिएटर्स में आ चुकी है। अपने नजदीकी थिएटर्स में जाइए, इस मूवी को जरूर देखिए, आपको ये मूवी पसंद जरूर आएगी। इतिराज प्रोडक्शंस की ओर से इस मूवी को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स और इसी तरह हम आगे भी आते रहेंगे आपके सामने किसी नई मूवी का रिव्यू करते हुए। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।